हरे कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू नदर ब्लॉग। आज हमारा 75 हार्ट चैलेंज का डे 40 है। देखो भाई, तुम पहले टाइम देखो, पहली बार हम इस साल में इतने जल्दी उठ रहे हैं। मतलब पिछले साल में वैसे तो नहीं उठा इतने जल्दी, तो मैं उठने का कभी ट्राई नहीं करता, कोई रीज़न रहता नहीं है। बट आज है संडे, आज मेरे कोचिंग में है टेस्ट, तो भाई टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। क्योंकि भाई जो टीचरों की इमेज बनी पड़ी है ना, वही रहनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि इसकी जॉब लग गई थी, इसने पढ़ना छोड़ दिया वीकेंड बैच में जब से शिफ्ट हुआ है। तो भाई आज टेस्ट है, तो मैंने सोचा जल्दी उठ लेता हूँ। क्योंकि मतलब रात को मैं लेट तक तो पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। इतना ड्राइव करके आओ, फिर वर्कआउट भी करो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, 3-4 घंटे सो जाता हूँ, फिर जल्दी उठ के पढ़ लेंगे। तो अभी भाई अपना पढ़ने बैठते हैं। भाई टाइम हो गया 6:30 और मैं अब तक पढ़े जा रहा हूँ। 2 बजे उठा था, बीच में मैं 1 घंटे के लिए सो भी गया था, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। अभी मैं रेडी होकर एकदम बैठा हूँ जिम के लिए। तरुण और सागर उठा दिया, सागर अपनी गाड़ी निकाल रहा है अपना, और अभी 5-10 मिनट में थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। तब तक वो गाड़ी निकालेंगे, फिर चलते हैं जिम के लिए। आज है हमारा लोअर बॉडी, जिसमें हम टारगेट करेंगे अपना हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स, क्वाड्स 3, और थोड़े सा 1-2 सेट लास्ट में बाइसेप्स के मार लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जिम में। Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. भाई आ चुके हैं वर्कआउट करके, अभी कर रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ओट्स, दूध में रात को भिगो के रख दिए थे, सुबह उठ के अभी इसमें वर्कआउट के बाद अभी ये खाता हूँ मैं। इसमें डाल लिया अपना 1 स्कूप प्रोटीन, सेब केला काट लिया, और ये भाई मेरी नोवल कर्मा ख़त्म हो गया मोस्टली। इतनी ख़त्म हो गई, बस इतनी बची। अब मेरा टारगेट है इसको इस हफ्ते में ख़त्म करना। उसके बाद फिर मेरे पास 2 नोवल और हैं जो मेरी आधी आधी हुई हैं। आधी क्यों, मतलब मैंने स्टार्ट करी थी, 1 नोवल सुबह पढ़ता था, 1 शाम को, बट वो फिर मेरी छूट गई ना, तो अब मैं उनको भी स्टार्ट करूंगा, उसमें से 1 उठाऊंगा। कोई टाइम हो चुका है 9:30, अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके तैयार होके फिर निकलते हैं कोचिंग के लिए। चलो भाई हो गए रेडी, निकलते हैं अपना। आज तो फॉर्मल्स में, क्योंकि आज मॉक है ना, तो मैंडेटरी होता है फॉर्मल्स में आना। अब देख ले यार, पढ़ तो लिया, देखते हैं क्या होता है। भाई आज मैं जल्दबाजी में पानी का शेकर अपना लाना भूल गया, मतलब स्टील शेकर। मतलब वो सुबह जिम गए थे ना, तो जिम बैग से शायद निकला नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। थोड़ी देर पहले मैं ढूंढ रहा था कि रखना है, उसके बाद आते आते मैं याद ही नहीं रहा। अब याद आया जब प्यास लगनी शुरू हुई है, और रास्ता लंबा 1.5 घंटा लग जाएगा, प्यास अभी से लगने लग गई, 1 बोतल लेनी पड़ेगी पानी की। फिर शाम को, क्योंकि रात को तो दुकान भी नहीं खुली रहती, रात को भी आते हुए प्यास लगेगी, तो अभी जल्दी दुकान ढूंढ के 1 बोतल ले लेता हूँ पानी की। तो भाई मिल गई पानी की बोतल, सही है, यहीं मिल गई। फिर आगे जाके तो हाईवे पड़ता, उस पर से ले नहीं पाते। लगभग 30 किलोमीटर का हाईवे पड़ता है, उस पर कोई दुकान वकान कुछ नहीं आएगी, सीधी भागती हुई गाड़ी जाएगी फरीदाबाद से गुड़गांव। तो मैंने इसलिए फरीदाबाद में ही खरीद ली। तो चलो भाई, बस थोड़ा सा ठंडा है, मेरा गला खराब हो रहा है, बट चलो कोई नहीं। भाई आज बजरंगबली के दर्शन कर लो, बहुत दिन बाद। मैं तो डेली करता हूँ, मतलब डेली का सैटरडे संडे, जय बजरंगबली, जय श्री राम। और जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, जब मैं, अंकित और प्रिंस, हम तीनों आते थे, तब तो हम डेली दर्शन करते थे आते टाइम इंस्टीट्यूट से। डेली यहीं पे मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते थे। यहाँ पे ये है बजरंगबली की प्रतिमा, और यहाँ पे ये मंदिर है, ये वाला ये रजे है बजरंगबली। तो डेली इसमें हम आते में ना, ऑफिस से, मतलब ऑफिस के कोचिंग से आते टाइम डेली हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जब मैं वीकडेज पे क्लास लेता था। और अभी जॉब लग गया, तो सैटरडे संडे बस दर्शन हो पाते हैं बजरंगबली के। ये हाईवे है जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी सीधा गुड़गांव जाके लगेगा। भाई 5:15 हो रहे हैं आज, तो मैं जल्दी फ्री हो गया, जहाँ मैं 6:30-6:30 तक फ्री होता था, क्योंकि आज क्लास नहीं हुई, सिर्फ अपना मॉक हुआ है। जिसका मॉक हो गया वो चला जाओ अपना घर देके। तो अभी एक लास्ट बंदा बचा है, वो अपना मॉक दे रहा है, सेकंड लास्ट मेरा था। मैं थोड़ा रिवाइज ही कर रहा था चीज़ें,
तो आई रिसीव्ड ग्रेट फीडबैक, मतलब गुड फीडबैक कि हाँ सर ने बोला कि हाँ अच्छा है, तो मतलब मेहनत सफल हो गई। तो चलो भाई, पार्किंग तो आज बढ़िया मिल गई थी एकदम छाया में ना, अपना निकलते हैं आज तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेट्स गो गाइस, अपने चने और खा लूंगा, निकाल लेता हूँ बैग में से और फिर अपना खाते खाते मतलब चलाते चलाते ही खा लूंगा वो तो मैं। तो मिलते हैं भाई तुमसे घर पहुंच के, फिर घर पहुंच के आज तो रेस्ट करके फिर अपना वर्कआउट करेंगे। भाई मैं तो कोचिंग से आते ही सीधा वर्कआउट करके सो गया और अब मेरी आँख खुली है 2-3 घंटे बाद। अब अपना दूध पी के अब सोऊंगा, व्लॉग भी एंड करना भूल गया मैं तो, अपना फोन ऐसी साइड में पड़ा रह गया, वो कंधे में थोड़ा दर्द हो रहा है उस वजह से मैंने वर्कआउट मतलब इतना ज़्यादा तो करा नहीं, इसमें मूव लगा ली थी सोने से पहले, तो मैंने भाई स्क्वाट्स मार लिए और मैंने एब्स के 4-5 सेट मार लिए। तो भाई ये वाले व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर।